संसार भी चल रही है ध्वंस के ओर और व्रज चलती है कृष्ण लीला की ओर। कल बताया था ना संसार भी ये भी एक जन्म मरण चक्कर है सब, ये भी एक परिक्रमा है। पशु जंतु जानवर मनुष्य दानव क्या क्या बनते जाते हैं, फिर आखिरी में मनुष्य जन्म मिलता है, सद्गुरु मिलता है। जिनको सद्गुरु नहीं मिला उनका प्रोसेस क्या है बताया था, याद है कि
भगवान तो हृदय में चैत्य गुरु के रूप में है और भगवान को मठ मंदिर में आकर प्रार्थना करना होता है कि मुझे सदगुरु से, तो फिर वो क्या करते हैं सदगुरु। जितने लोग धोखे खा जाते हैं क्यों, क्योंकि अपनी बुद्धि से चुनते, समझ रहे हो, आप अपने बुद्धि से जो चुनोगे तो आप धोखा खाओ। ये प्रश्न, तो सदगुरु आश्रय करने से फिर वो फिर भक्ति सिखाते हैं, है ना, परिक्रमा करना चाहिए, साधुओं की सेवा करना चाहिए, ठाकुर जी नाम लेना चाहिए, ठाकुर जी की सेवा, तो सेवा करते करते उनकी नित्य सेवा ही आगे। तो मधुबन, मधु यानी शहद, मधुमक्खी जो छता बनाते उसके नाम अनुसार मधुबन, और मधु मतलब बड़ा मिठास, हमारा जय बोलते। तो उस मधुबन में एक लीला हुई है, छोटी सी लीला, बहुत सारी लीला हुई। कृष्ण एक बार गोचारण करने गए, उनको तो पूरा वन ब्रजमंडल गोचारण भूमि है ना, गाय बछड़ा चढ़ा, तो बोलते भूख लग गई, भूख लग गई तो सुखा लोग कह रहे हैं, बोलते हैं पेट के अंदर चूहा कूद रहे, आपने तो बहुत बड़े बड़े असुर को मार दिया, लेकिन ये भी एक असुर है, इसको कैसे मार। तो कृष्ण समझ गए भूखे, भोजन कहाँ से देंगे, तो बोलते पास में ही ब्राह्मण लोगों ने यज्ञ कर दिया, ओम इंद्र ऐसा वरुण ऐसा ब्रह्म ऐसा, बोले उनके पास जाकर के बोलना कि यहाँ पे कृष्ण बलराम आए हैं, आप मैं हम लोग भूखे हैं तो कुछ भोजन दे। तो कहने से आए, पहले उन्होंने प्रणाम किया, साष्टांग दंडवत प्रणाम, लेकिन उन्होंने कोई जवाब ही नहीं दे रहे, स्वाहा स्वाहा लगे, बच्चा को तरह कौन देखे, वो फिर दुखी होकर के खड़े रहे कुछ टाइम, बार बार बोला लेकिन सुनाए। तो जब वापिस आ गए कृष्ण ने फिर समझा, वो दुखी होकर बोलता अरे कहाँ तू कहाँ भेज दिया, तब भगवान ने उपदेश दिया, बोल देखो तुम भिक्षुक, भिक्षुक को कोई स्तुति करेंगे, कोई कुछ देंगे भी, कोई गाली भी दे देते हैं तो मन खराब करने से नहीं होता, एक द्वार में नहीं दूसरे द्वार में जाना चाहिए। जो साधु है वो निंदा स्तुति दोनों ही बराबर मानते हैं ना। तो मेरे गुरु महाराज कहते हैं जो दूसरे गाली नहीं सहन नहीं कर सकता तो क्यों काय के साधु। तो लोग बोलते हैं अरे बाबा लोग तो बैठे बैठे खाते हैं, खाते पीते हैं, और हम लोग सारा दिन मेहनत करते हैं फिर भी कम हो जाते हैं। तो परम गुरुदेव किसान को सही महाराज कहते हैं, बोलते हैं बैठे बैठे तो मनुष्य खाते हैं, खड़ा होकर कौन खाते हैं, जंतु जानवर खाते हैं ना, तो ऐसे ऐसे जवाब तुरंत। तो उन्होंने फिर दोबारा आया, बोलते उनके पास नहीं जाना, अभी माताओं के पास, माताओं का हृदय थोड़ा कोमल, उनके पास आकर के उन्होंने जब ऐसे ऐसे बोले कि कृष्ण बलराम आए हैं और हम भूखे हैं कुछ भोजन चाहिए, अरे और वो तो तरस रही थी कब दर्शन कर मौका मिले, मौका मिली, बोलते आप लोग ढोने की जरूरत नहीं, हम खुद ही देते,
और उनको उन्होंने चार प्रकार का अन्न बनाया, खिचड़ा खिचड़ी अन्न पुष्पान्न परमान्न हुआ, और क्या का अन्न बनाया, मिष्टान्न, और कितने प्रकार के लाड्डू कचड़ी, ज़्यादा बोलूँगा फिर यहाँ ही कहाँ देंगे, अभी आज भंडारा नहीं है, जिस दिन भंडारा है। तो इस तरह से ये मिला, और उन्होंने पोती लोग उस समय नियम बड़ा कड़क था, माताओं अगर चौकाट से बाहर गई तो बाहर अंदर नहीं आई, आजकल समय नहीं था। तो बोले कोई बात नहीं, ये लोग नहाले फिर भी कोई, हम तो कृष्ण के दीवाने हैं। तो चली गई, किसी ने रोकना चाहे रोकी, तो कृष्ण उस समय तो मनमोहन है, सबको मोहित कर, सीधा सखा के कंधा में हाथ रखे और डान हाथ में कमल खिला घुमाते हुए और टेढ़ी नजर में मुस्कुराते हुए, सुचारु वक्त्र मंडलम सुकर्ण रत्न कुंडलम सुचरुचिता चंदन नमामि नंदन हरेन वेणुरंजितम ंजितम विपूल सो। इतने मनमोहन सुंदर मनमथ मनमथ सब, उनको देखते ही तो उनको साथ भूल गए। तब फिर कृष्ण ने बताया, देखो आप लोग वापिस चले, है ना, क्यों, आप लोग ब्राह्मण ही हैं, आप गोपी थोड़ी हैं, आपसे रास करेंगे, उनकी इच्छा बोला हम कैसे जाएंगे, आपके तो भरसा में आ गए और हमको तो दोबारा लेंगे नहीं। बोलते नहीं, मैं कह रहा हूँ आपको आदर, पहले जैसे आदर करते थे अभी भी आदर करें, भगवान के बानी थी सभी लोग माने, उनको सचमुच में उनको तो हाथ जोड़ के प्रणाम करना, पत्नी पति को प्रणाम करती है ना, तो उल्टा देख रहा है। बोलते धन्य है, धन्य है, हमारी ये जनेऊ संस्कार ब्राह्मण अभिमान ये सब बेकार, आप हमारे प्रणाम में आइए, स्वागत है, ऐसे भागवत में बहुत सुंदर बात। तो ये इसलिए ये मथुरा भी साधारण नहीं है, मथुरा वृंदावन, वृंदावन को भी मथुरा मंडल भी कहते हैं, मधु इस ब्रज, ये ब्रज मंडल परिक्रमा में जो जब भी समय मिले जरूर जाना चाहिए। फिर थोड़ी सी काल सुना दें आपकी महाराज से, वंशा कल्पतरुभश्च कृपा सिंधुभ्यः पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। महाराज कहीं पर ब्रजमंडल परीक्षा करा है, महाराज किसको वृंदावन जाने नहीं दे, चार तारीख को जा रहे हैं, चार तारीख को आ रहे हैं, संकल्प चार तारीख से पाँच तारीख, चार तारीख को जाएंगे ले संजीव संजीव आगे। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा जय विहारी, जय
जय ओम ज्ञान विद्राम नमः सलाकया चक्षुर मुलितम येन तस्मै श्री गुरवे नमः गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय स्तुतालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमः महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदाय कृष्णाय कृष्णचैतन्ये नाम्ने गौरतुसे नमः हे कृष्णकरुणासिन्धो दीनबन्धु जगत्पते गोपेशवरदत्त श्रीराधाकान्त नमस्तुते तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभान सुतदेवी प्रणमामि श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे जोर से बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नित्यलीला विष्णु विष्णु पाद अष्टोत्तर सदस्य श्री श्री पादश्रेणु सिद्धांत गोस्वामी महाराज चरणल अनंत साष्टांग प्रणाम करना तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्यलीला विष्णु विष्णु पाद अष्टोत्तर सदस्य श्री श्री मधुवेदान श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरजी श्रद्धा पुष्पांजलि उपस्थित आज हम लोग श्रवण करते श्री राय रामानंद संवाद और ग्रंथ का नाम है चैतन्य चरितामृत। यदि ये ग्रंथ हमारे संप्रदाय में इतने अनमोल ग्रंथ है, एक समय प्रभुपाद अपना सारे शिष्यों से प्रश्न करते हैं, बोले बताओ तो ऐसे कौन सा ग्रंथ है इस जगत में केवल एक ही ग्रंथ रहे और जितने सारे ग्रंथ का अभाव केवल एक ग्रंथ ही पूरी करेगा। एक समय में अपना शिष्यों को प्रश्न किया, किसने कहा श्रीमद् भागवत है, क्योंकि श्रीमद् भागवत ये सारे शास्त्र का जो निचोड़ है, यदि ये श्रीमद् भागवत मतलब उसका रसामृत को पान करने का बाद है तो उसकी रुचि और कहीं नहीं रह जाएगी, क्योंकि जितने सारे वेद पुराण इतिहास है बोले सर्व वेदांत सार ही तक भागवत निश्चते, सारे शास्त्र का निचोड़ ये श्रीमद् भागवत है। प्रभुपाद ने बोले और कोई बोलो, क्या बोलो, किसने कहा वेद, बोले और कोई कुछ बोलो, किसने कहा भगवद गीता है, सब अलग 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 नाम बताए। लेकिन प्रभुपाद ने कहा देखो अपनी जो चैतन्य चरितामृत ग्रंथ है ना, ये ऐसे एक ग्रंथ है, अगर एक ही ग्रंथ अगर इस जगत में रहेगा और जितने सारे ग्रंथ अगर सारे अंतर ध्यान हो जाए, कहते एक ही ग्रंथ सारे ग्रंथ का अभाव यही ग्रंथ ही पूरी करेगा, ये ऐसे एक चैतन्य चरितामृत ग्रंथ है। इसलिए श्री हमारे इसलिए कीर्तन में कहते हैं ना एल गौर रस नदी कादंबिनी होहि आसाई गौर रस प्रेम वृष्टि दी। कहते भजन में श्री लोचनदास ठाकुर कहते हैं, कहते श्रीमद् महाप्रभु कौन सा भक्तों द्वारा क्या क्या काम कराए, जब ये कृष्णदास गोस्वामी इनका नाम आता है
ये चैतन्य चैतन्यमृत ग्रंथों कहते हैं कृष्ण दास कविराज रस भंडारी राखिल जतन करी हेम कुंभ भरी। को उदाहरण दिया कहते ग्रंथ का रचयिता कौन है, बोले कृष्ण दास कविराज, इसलिए इनका नाम कृष्णदास कविराज इनका नाम है। ये जो कविराज शब्द आता है, कविराज किसको कहते हैं, जो बजकर जो दबा देते हैं, कहते हैं दो तरह का कविराज है। एक मतलब कविराज किसी जगत का कोई इस किसको कहना है, ये पहले कविराज थे। कविराज समझते हो, कविराज समझते हो नहीं जानते हैं? जो बद्य होता है, जो बद्य होता है ना, उनको कविराज कहते हैं, जो दबा हवा देते हैं। फिर ये कोई कहते हैं ये कविराज वैद्य थे, और दूसरा नाम कविराज मतलब कवि अभी जो राजा है। इन दोनों तरह से ही ये कविराज है, ये दोनों तरह से ये कविराज गोस्वामी, इसलिए इनके इनकी रचना उन्होंने की ये ग्रंथ है। इसलिए उन्होंने उदाहरण दिया कृष्णदास कविराज रसर भंडारी, जब ये कौन है कहते रस की तो भंडारा भंडारी। और उन्होंने क्या किया कि चैतन्य चैतन्यमृत नहीं, बोले चैतन्य राखिल प्रेम हेम कुंभ भर। उदाहरण दिया हेम मतलब होता है सोना, कुंभ मतलब कलसी। उन्होंने एक सोने की कलसी में ये जो प्रेम को भर करके रख दिया। बोलो कौन सा है, बोली चैतन्य चैतन्यमृत नहीं, ये एक सोने का कलसी में कृष्ण प्रेम को उन्होंने भर करके रख दिया है। ये ग्रंथ ये ऐसे अनमोल ग्रंथ है, चैतन्य चरितामृत ग्रंथ है। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी क्या कहते हैं, कहते ग्रंथ को लिखने वाले को बल में नहीं, तो उन्होंने कहते हैं काष्ठेर पुतली जनक कुए बनना चाहिए। अपने कठपुतले नाच देखे हो बचपन में, कठपुतले नाच देखे हो, देखना उसमें धागा बंधा हुआ रहता है, और एक पीछे एक व्यक्ति है उसका हाथ में धरना है धागा बंधा हुआ रहता है, और जैसे जैसे अंगुल को चलाता है ना ऐसे ऐसे नाचना ऐसे बांधना। वो उदाहरण देते हैं हम एक कठपुतली है, अमा की ग्रंथ कौन लिख रहे हैं, बोले अमा को लिखा है श्री मदन मोहन। यदि मदन मोहन ने हमसे हमारे द्वारा ये ग्रंथ को लिखवा रहे हैं, ये ग्रंथ लिखने वाला मैं नहीं है, ये ग्रंथ को स्वयं ठाकुर जी ये ग्रंथों को लिख रहे हैं। इसलिए इसमें कहते हैं ग्रंथ लिखे क्यों, कहते ये ग्रंथ लिखने से पहले श्री वृंदावन दास ठाकुर, ये चैतन्य भागवत एक ग्रंथ है जिसमें श्री चैतन्य महाप्रभु का सुंदर सुंदर कथा उसमें लिखे हैं, चैतन्य महाप्रभु। फिर उन्होंने ये ग्रंथ फिर क्यों लिखे, कहते चैतन्य भागवत ग्रंथ में महाप्रभु की सुंदर सुंदर उनको बाल्य लीला कैश्वर लीला संन्यास लीला इसको सुंदर और सुंदर रूप में वर्णन किया है। लेकिन भक्तों ने सारे को सारे दूसरे दूसरे जितने चैतन्य महाप्रभु का भक्त थे कृष्णदास कविराज गोस्वामी से प्रार्थना किया, बोले प्रभु चैतन्य भागवत तो लिखे गए लेकिन ऐसे एक सिद्धांत पूर्ण ग्रंथ होनी चाहिए। चैतन्य महाप्रभु को देखते जब कलयुग में कितने अवतार आए, ये अवतार ये भगवान ये भगवान ये भगवान कितने भगवान निकल गए। लेकिन हम भी अगर बोलेंगे चैतन्य महाप्रभु भगवान, बोले जितने सब भगवान कहते ना उन भी ऐसे एक व्यक्ति को भगवान बना दिया। इसलिए ऐसे एक ग्रंथ होनी चाहिए जो ग्रंथ सिद्धांत पर ग्रंथ होनी चाहिए। चैतन्य महाप्रभु कौन जगत में क्यों आए, इनको हम भगवान क्यों कहेंगे, जगत में उन्होंने क्या दिया है, ऐसे एक ग्रंथ होनी चाहिए जो ग्रंथ वो सिद्धांत पर ग्रंथ हो जिसमें वो कहते हैं सिद्धांत आजिते नाकार अलस जहाँ है कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस। वो कहते हैं जो सिद्धांत है ना जो तत्व है कहते उसमें अलसता मत करो, क्योंकि जब तक सिद्धांत नहीं समझोगे ना तुम्हारी चित्त भगवान में नहीं लगेगा। इसलिए तीन तरह का भक्त बताए, कितने तरह के
और एक पहले एक उत्तम, एक मध्यम और एक कनिष्ठ। बोले उत्तम भक्त कौन है? हम उत्तम भक्त किसको कहेंगे? एक उत्तम भक्त उसे कहेंगे जो सारे सिद्धांत में एकदम परिपूर्ण है, पक्व है, जो एकदम सिद्धांत में ठोस है, सारे तत्व को जानते हैं और उसको साथ साथ में दूसरों को भी समझा सके, कहते ये उत्तम भक्त है। बोले मध्यम भक्त किसको कहते हैं? बोले अपना है, अपना भजन साधन को ठीक से करें, अपना भजन साधन को वो ठीक से अपना भजन साधन कर लेंगे, वो दूसरों को समझा नहीं पाएंगे लेकिन अपना भजन साधन को ठीक कर लेंगे। बोले कनिष्ठ भक्त कौन है? बोले जिसका बुद्धि डामाडोल सा है, जिसका बुद्धि डामाडोल सा भक्ति है, हैं? कभी इच्छा हुआ भजन कर लिया और थोड़ी सी कोई उल्टा मुल्टा सुना ना, बस सब साथ हो इसे होना बस माला कर बेकार है, भजन भजन कर बेकार है। इसलिए कहते कनिष्ठ भक्त हुए इसका भक्ति डामाडोल भक्ति। अब श्रेष्ठ भक्त कौन है? जो स्वयं सिद्धांत में प्रतिष्ठित है और दूसरों को भी समझा करके उनको भी भक्ति में जो स्थापन कर सकते हैं, कभी भी किसी स्थिति में जो भगवान के भजन करके नहीं छोड़ते हैं। जैसे मीरा ने सारा दुनिया उनको विरोध की, जो भजन की सारा दुनिया उसको विरोध हो गई लेकिन उनको भजन छोड़ दिया, दुनिया को छोड़ दिया लेकिन प्रभु का भजन नहीं छोड़ा। जब प्रहलाद के ऊपर में इतने पिटाई हुई, आग से उनको बैठा दिया, काल को धन में बंद कर दिया, पहाड़ को ऊपर से फेंकवा दिया लेकिन प्रभु का भजन नहीं छोड़ा, प्रभु का भक्ति नहीं छोड़े। और एक दिन स्वयं ठाकुर जी उनको दर्शन दिए, उनको दर्शन दिए। हरिदास ठाकुर जी को 22,000 में पिटाई हो गई, सारे चमड़ा उतर गया लेकिन लास्ट में क्या कहते हैं? ठाकुर जी बड़े दयालु हुए, हमने निंदा सुनी ना इसलिए ठाकुर जी केवल थोड़ी सी सजा देकर हम छोड़ दिए। देखो ये भक्तों का भावना, लेकिन हम क्या करते हैं? थोड़ी सी कोई भजन में इधर उधर कुछ संसार में कोई इधर उधर थोड़ी सी हो जाए ना, किसी चीज़ को छोड़ेंगे, खाना नहीं छोड़ेंगे, सोना नहीं छोड़ेंगे, डालना नहीं सकते, पहले जो माला छोड़ा बेकार राम भजन किया, ठाकुर जी को इतनी भक्ति की और ठाकुर जी हमारे साथ नहीं सुन। इसलिए जो चैतन्य चरितामृत जो ग्रंथ है वो ऐसे एक अनमोल ग्रंथ है जिसमें महाप्रभु के सिद्धांत को स्थापन किया, जिस ग्रंथ को सुनने से हमारी हृदय तो पक्की हो जाएगी भगवान का भक्ति, चैतन्य महाप्रभु का प्रतिपाद भक्ति पक्की हो जाएगी। क्या ये चीज को किसने स्थापन की? ये चैतन्य चरितामृत ग्रंथ सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ। बोले स्वयं राधा है। बोले कैसे? हम लोग जो काम गायत्री मंत्र जप करते हैं ना, काम गायत्री किसको किसको मिला है? काम गायत्री मिला किसको 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 मिला पता है? काम गायत्री क्या है? इसलिए ये काम गायत्री मंत्र उसमें श्री विश्वनाथ चक्र ठाकुर बहुत प्रसन्न पंडित थे, उन्होंने देखा कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैत्र चैतन्य ग्रंथ में लिखे ये जो काम गायत्री है ना इसमें 24.5 अक्षर है और ये 24.5 अक्षर है भगवान की शरीर में 24.5 चंद्र है, कृष्ण का शरीर में। कहते कैसे 24.5 चंद्र? ये कृष्ण काम गायत्री और कृष्ण वो एक ही है, भगवान से वो मंत्र कोई अलग नहीं। देखो कैसे भगवान कृष्ण में 24 चंद्र है, 24.5 चंद्र है। कहते एक एक नख है इसको चंद्रमा होता है, कितना हो गया? कितना हो गया? 10। और प्यार में 10 कितना हो गया? 20 है। और कहते कृष्ण का जो मुख है ये भी एक चंद्र है, कितना हो गया? 21। बोले कृष्ण का जो दो कपल है ना बोले ये दो चंद्र है, कितना हो गया? 23। और उनका की जो ललाट है ये एक चंद्र है, जैसे ना ये ललाट भी यहाँ पर चंद्र होता है चंद्र, और यहाँ पर जो बूंद है ना विद्युत है कहते ये आधा है, कितना हो गया? कितना हो गया? 24.5 है। इसलिए बताया जो काम गायत्री मंत्र हम जब करते हैं उसी में भी 24.5 अक्षर उसके अंदर में भी है। इसलिए चैतन्य चरितामृत ग्रंथ में कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं ये मंत्र कृष्ण से अभिन्न है,
लेकिन वो बहुत बड़े पंडित विश्वनाथ चंद्र ठाकुर कहते कृष्णदास कविराज गोस्वामी का 24.5 अक्षर है, लेकिन हिसाब करने से तो ये 25 अक्षर होता है, 24.5 नहीं होता है, 25 अक्षर होता है। अभी उन्होंने देखा उसमें जो आधा अक्षर है क्या, इसमें आधा अक्षर किया ये चीज को ना, उन्होंने बहुत कोशिश की लेकिन ये चीज को ढूंढ ढूंढ करके सारे व्याकरण को ढूंढ ढूंढ कर कहीं मिला नहीं। एक दिन दुखी हो गए, बोले जब मंत्र का अर्थ ही मैं नहीं समझ पाऊंगा, पर ये मंत्र स्वयं कृष्ण है, पर ये मंत्र सिद्धि कैसे होगी। सोचे आज रात को मैं अपना शरीर को राधा कुंड में, आज मैं रात को ये शरीर को मैं राधा कुंड में शरीर को विसर्जन करूंगा। उन्होंने ये स्थिर कर लिया। इतने में राधा रानी जब वो सो गए ना, राधा रानी उनके स्वप्न में आई, बोले हरि वल्लभ ये जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी ये मेरी मंजरी है। कौन सा मंजरी? कहते इनका नाम कस्तूरी मंजरी, राधा रानी की एक सखी है। कहते इनकी लेखन में भूल नहीं हो सकता है, और भूल होता है जब कोई साधारण व्यक्ति कोई ग्रंथों के लिए उसमें भूल होता है। लेकिन जो मुक्त पुरुष होते हैं उनके अंदर में ये चार दोष नहीं होता है, और वो मेरी मंजिल ही है। देखो तुम सोच रहे थे ना इसमें 24.5 अक्षर कैसे, एक ग्रंथ है व्याकरण, उसका नाम वर्णागम भास्कर वो व्याकरण है, वो व्याकरण को देखना, ग्रामर देखना, वहाँ पर लिखा गया कौन सा अक्षर के बाद में कौन सा अक्षर हो उसको आधा मानी जाएगी। तुम वो ग्रंथों को देख लो, सुन देखे सचमुच से वो ग्रंथों को लिखे देखे ना, हाँ ये बात सही। इसलिए राधा रानी स्वयं प्रतिष्ठित करते हैं जो ग्रंथ है, जो चैतन्य चरितार्थ का जो ग्रंथ है, ये ग्रंथ कोई साधारण ग्रंथ नहीं, ये ग्रंथ एकदम निर्भूल है, और ये प्रमाणित जो ग्रंथ है हाँ ये चैतन्य चरितार्थ का ग्रंथ। इसलिए ये चैतन्य चरितार्थ ग्रंथ हमारे संप्रदाय में अनमोल ग्रंथ है, अद्भुत ग्रंथ है चैतन्य चरितार्थ ग्रंथ। अभी प्रश्न है फिर पहले तो ये चैतन्य भागवत लिखी गई थी, फिर ये चैतन्य चरितार्थ ग्रंथ क्यों लिखी, उसका दूसरा कारण बताया गया। कहते चैतन्य भागवत जिन्होंने लिखा है ना, कहते ये स्वयं व्यास देव वृंदावन दास व्यास देव, और ये कृष्ण लीला में कुसुमा भी पीड़ा एक कृष्ण का सखा है, इसलिए उनको ये दो स्वरूप मान के एक व्यास देव और क्या है कुसुमा भी पीड़ा कृष्ण का सखा है। लेकिन महाप्रभु कौन है, कहते कृष्ण स्वयं कलयुग में राधा जी की भाव अंका पे लेकर के आए। बोले आए क्यों, बहुत सारे कारण है, उसमें एक कारण है जो ब्रह्मा का एक दिन में एक बार आकर के वो ब्रज प्रेम को जो निकुंज सेवा राधा जी की प्रदान करते हैं है? और मंजरी भाव को देते हैं। अभी प्रश्न है भैया जो महाप्रभु जो चीज को देने के लिए आए वो मंजरी भाव वो भी भाव हो, अभी वो चीज को कौन समझ सकता है, वो चीज को सब नहीं समझ सकते। एक जो सखा है ना, जो सखा रस के व्यक्ति ये मधुर रस की बात बता नहीं सकते,
इसलिए मधुर रस का मतलब मधुर रस की बात बता सकते हैं। इसीलिए श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी को इस चैतन्य चरितामृत ग्रंथ लिखे, जिसमें श्री चैतन्य महाप्रभु का जो भाव है उन्होंने लेकर के आए, राधा जी के भाव अर्पण कांति बस राधा रमण लाल की बस गुरुदेव की इसलिए उनको ये चैतन्य चरितामृत ग्रंथ लिखने का इनकी जरूरत पड़ा है। समझ गए हो सब? कल फिर मैं पूछूंगा कभी क्या क्या सुन, ठीक है कल बोलना। इसलिए चैतन्य चरितामृत ग्रंथ को इन्होंने लिखे हैं। ये चैतन्य चरितामृत ग्रंथ और कैसे संग्रह किया बोले, जब से चैतन्य महाप्रभु पुरी पे रहते थे, पुरी कौन बन गए, पुरी कौन बन गए, हाथ उठा तो पुरी कौन बन गए, पुरी पुरी पुरी। इसलिए पुरी में गंभीरा है, गंभीरा में से चैतन्य महाप्रभु रहते थे और श्री राय रामानंद वो रहते थे कहाँ पर, जगन्नाथ बल्लभ वाटिका में। और श्री स्वर्गदानंद कहाँ रहते थे बोले सात आश्रम रोड में, और श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जब महाप्रभु गंभीरा में रहते कभी स्वर्गदानंद और राय रामानंद ललिता और विशाखा, ये दोनों रोज आकर के महाप्रभु की भाव के अनुरूप श्लोक को पढ़ते थे और महाप्रभु के भाव को धीरे धीरे उनका प्रेम को धीरे 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 बढ़ाया करते थे। कभी महाप्रभु के पास में बैठते थे, बात करते थे। रघुनाथ दास गोस्वामी रहते थे श्री सातासन रोड में और रघुनाथ दास गोस्वामी बैठे रहते थे, जगे रहते थे, कब श्री स्वरूप दामोदर आएंगे, आज महाप्रभु के साथ उनकी वार्तालाप हो गया। वो पूछते थे, जब पूछते थे और वो सुन सुन करके श्री रघुनाथ दास गोस्वामी वो सारी कथा को नोट करते थे, आज महाप्रभु ने ऐसी लीला की, ऐसे बात हुई उनका अंदर में, और श्री स्वर्ग दामोदर भी उन्होंने कर्चा लिखी, कर्चा मतलब उसको नोट बुक करते हैं और नोट बुक लिखे थे महाप्रभु संपूर्ण उनका भक्तों का चरित्र, महाप्रभु का चरित्र, फिर रघुनाथ दास गोस्वामी उसको संग्रह किए, फिर उसी ग्रंथ को श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने उसी ग्रंथ को लेकर के उनमें सारे जो चैतन्य चरितामृत जो ग्रंथ बनाए ना, उनमें सबके सब को लेकर के उन्होंने ये ग्रंथ को बनाया। इसलिए हमारे संप्रदाय में ये चैतन्य चरितामृत ग्रंथ ही अनमोल ग्रंथ है। ऐसे ग्रंथ में त्रिभुवन में ऐसे ग्रंथ नहीं, ये चैतन्य चरितामृत जैसे ये ग्रंथ है। अब उसी चैतन्य चरितामृत ग्रंथ में गुरुदेव कहते हैं कि उसमें पांच कपी है, जैसे श्रीमद् भागवत में पंच प्राण है, जैसे शरीर है, अगर उसमें प्राण नहीं हो क्या होगा, वो शरीर बेकार है, प्राण को बदले शरीर बेकार है, कि उसी तरह श्रीमद् भागवत में भी पांच कपी है। क्या किया है कि उसको पंच प्राण बताया, कहते रासलीला का जो पंच अध्याय है, कहते ये इसका प्राण है, मतलब भागवत का जो सार है दशम स्कंध, और दशम स्कंध में जो सार है कहते भगवान की रासलीला है, रासलीला मतलब जहाँ पर केवल रस ही रस है, कहते उसी तरह ये चैतन्य चरितामृत में गुरुदेव कहते इसमें विशेष कहते पांच कपी के विषय है, कहते ये भी चैतन्य चरितामृत का पंच प्राण है। बोले कौन सा है, कहते एक है श्री राय रामानंद संवाद, दूसरा है महाप्रभु ने से रूपो गोस्वामी को जो शिक्षा दी जिसको रूपो शिक्षा कहते हैं, तीसरा है महाप्रभु से सनातन गोस्वामी को जो शिक्षा दिया, बोले चौथा है जगन्नाथ इनकी रथ यात्रा प्रसंग है, और उसमें पंचमा है सार्वभौम भट्टाचार्य और श्री चैतन्य महाप्रभु को अंदर में जो डिस्कशन हुई है, तो उसमें ये पांच विशेष विशेष ये पांच अध्याय उसमें है, और उसमें एक क्या है, कहते उसमें एक क्या है श्री राय रामानंद संवाद उसमें एक है। इसलिए हम लोग कोशिश करेंगे तीन चार दिन ही जितना दिन हो सकता है ये राय रामानंद संवाद को हम सुनने के लिए। इसलिए गुरुदेव जब अधिक महीना में गए थे जगन्नाथ, वहाँ पर महाराज ने केवल किसी टपी को लेकर के, महाराज ने 15 दिन तक किसी टपी को नहीं मिला, 15 दिन तक उन्होंने व्याख्या करके बहुत बढ़िया बल्ला महाराज जी सुंदर सुंदर कथा सुनाया करते थे,
जगन्नाथपुरी में है। इसलिए कभी रारावण तक कौन है, कभी कृष्ण लीला नहीं, कितना श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी सपार्षद सियो धाम सहावतार। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु जीव को पर कृपा करने के लिए उन्होंने सपार्षद सियो धाम धाम एवं अपना परिकर को लेकर के आए हैं, जैसे कृष्ण अपना सखा सखियों को लेकर के आए। बोले श्री रायरामानंद कौन है, कहते श्री रायरामानंद महाप्रभु सारे भक्त पूर्ण है। अच्छा ये भी पूर्ण है, ये मुख्य रूप में रायरामानंद ये विशाखा सखी, कहते विशाखा सखी को तुमको अनुराग होता है, ये विशाखा सखी को अनुराग होता है, ये अनुराधा है। अनुराधा मतलब राधा रानी के जितने गुण हैं सबके सब इन्हीं के अंदर में गुण है। जैसे कभी कभी जैसे कृष्ण जब लीला करते थे एक तरफ में राधा रानी होती थी और एक तरफ में कृष्ण है, लेकिन जब जब राधा रानी कभी नहीं होती थी कृष्ण ये विशाखा को राधा रानी के पद में उसको स्थापना कर देते, राधा रानी का रोल उनको देते थे हैं। इसलिए ये अनुराधा है, ये विशाखा सखी, इसलिए इनके अंदर में ये विशाखा सखी है। कहते ललिता सखी भी थोड़ी सी, और इनके अंदर में एक अर्जुना सखी भी इनके अंदर में, और इनके अंदर में श्री अर्जुन भी है, और ये इनके अंदर में राय रावण उड़ीसा में इनका जन्म है आलारनाथ, इनका जन्म श्री आलारनाथ उड़ीसा में इनका जन्म वहीं पर होता है, और वहीं पर जहाँ पर इन्होंने जन्म लिया है उस स्थान का नाम है बैठकपुर, बैठकपुर नहीं उसका नाम बैकुंठपुर है, और बैकुंठपुर का अपभ्रंश से उसको बैठकपुर कहते हैं, और उसका एक नाम है गोपीनाथपुर है। वहाँ पर एक साथ में महाप्रभु का जो गण है 3.5 व्यक्तियों को विशेष गण बताया गया, कितने कौन कौन है, कौन कौन बताया गया 3.5 जन में कौन कौन है बता सकता है, तुम बता कौन कौन 3.5 जन महाप्रभु के गण में जो विशेष है, शशिकला जी ने बता, हाँ सब माधवी हाफ ये फ्रांस के हैं लेकिन देखो हरिकथा से, इसलिए मन देकर समझ ऐसे नहीं आप बैठे और चले गए यहाँ से, कथा को सुननी चाहिए और नोट करनी चाहिए, अगर बढ़िया अगर आप भी कुछ बनना चाहते हो इसलिए हर कथा को नोट करनी चाहिए। देखो वो विदेश से होकर बोलते आप चुपचाप बैठे हो बोल दिया, विदेशी हो गई, हाँ ये हो गए देसी, हम हो गए विदेशी। इसलिए महाभारतगढ़ में कहते कौन कौन, एक सरुदा मगर सरुदा मगर कौन कृष्ण लीला में कहते हैं श्री ललिता सखी, रायरामान कौन कहती विशाखा सखी हैं, रायरामानंद स्वरूपता मदर और एक सिखी माई थी और उनकी बहन की आधा हम उनको मानी जाती हैं श्री महादेव देवी। कहते इनका जो जो 250 भक्त है रायरामानंद ने जहाँ जन्म लिया वो 250 भक्तों को एक जगह पर जन्म लिया, इसलिए जो हमारा पूरी क्षेत्र है जगन्नाथ पूरी क्षेत्र है वहाँ पर अलग नाम है, इसलिए उसको पूरी क्षेत्र साधारण स्थान नहीं। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु अंतिम समय में पूरी में जा करके देता है, क्योंकि जो वहाँ श्री जगन्नाथ जी, बोले जगन्नाथ जी कौन है, बोले कृष्ण स्वयं राधा जी के भाव में राधा विरह में कृष्ण स्वयं द्रवीभूत होकर श्री जगन्नाथ जी बने हैं, इसलिए महाप्रभु वहीं पर रहते हैं महाप्रभु। इसलिए श्री राय रामानंद कहते श्री राय रामानंद ये उसी समय गवर्नर थे वहाँ के, साधारण व्यक्ति नहीं थे गवर्नर, और स्वयं विशाखा सखी प्रेम रस की भंडारी थे हैं, इनकी जो ग्रंथ है जगन्नाथ बल्लभ नाटक ग्रंथ लिखे, और ये क्या करते थे जगन्नाथ जी के सामने जो अपना नाटक लिखे ना लड़कियों को अपना हाथों से श्रृंगार कराया करते थे, और जगन्नाथ जी के सामने वो पद्यावली के ऊपर भी ग्रंथ पर उनको सामने नृत्य करते थे ये ऐसे श्री राय रामानंद से हैं, इसलिए इनके लिए बताए राय रामानंद होता है रसर भंडार, इसलिए इनको बताया नहीं, इनको बताया राय रामानंद जो है क्या है राय रामानंद, राय रामानंद जल रस धारा का है राय रामानंद, इसलिए उनको बताया जो राय रामानंद है प्रेम भक्ति
रस की वो धार जिससे प्रवाहित होता है। तीसरी राय रामानंद सिंह, राय रामानंद प्रभु की ये राय रामानंद। और वहां पर और एक थे जो सार्वभौम भट्टाचार्य, यदि ये कौन है जो बृहस्पति, वो स्वयं बृहस्पति उसी समय जगन्नाथ मंदिर का सारे जो नियम कानून यही सब लिखा करते थे, ये राज पंडित थे हैं। लेकिन वो मायावादी भगवान को निराकार विशेष मानते थे, लेकिन राय रामानंद कौन है, वो रसिक है, इसलिए कभी कभी इनका अंदर में ना तर्क वितर्क होता था। और राय रामानंद तो भगवान की बड़ी सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी कथा, उनकी रस की कथा सुनाया करते थे, लेकिन ये थे मायावादी भगवान को निराकार निर्विशेष ज्योतिरूप में मानते हैं, इसलिए मायावादी थे। ये तो सोचते हैं भगवान की जितने लीला है ना ये सब माई की है, वही ब्रह्म को अभी माया पकड़ लिया तो वो ब्रह्म ही जीव बन करके कृष्ण राम बन करके आए, जब इनकी मुक्ति हो जाएगी ना वो भी ब्रह्म में लीन हो जाएगी उनका ये प्रयोजन। लेकिन भगवान तो ऐसे ही भगवान सच्चिदानंद रूपाय ब्रह्म इनके अंग कांति है, इसलिए राय रावण तो इतने रस की कथा बोलते थे, इतने रस की कथा, लेकिन सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने कथा गुड़ा देती थी। लेकिन जब महाप्रभु की कृपा हुई सार्वभौम भट्टाचार्य को करनी, और महाप्रभु के साथ में शास्त्रार्थ हुई, और महाप्रभु को परास्त कर दिया बात बात में, फिर बोले बाबा रे इतनी विद्वता, एक श्लोक को सार्वभौम भट्टाचार्य का नाम भी सार्वभौम मतलब संपूर्ण भूमि को ऊपर में विद्या में जो सर्वश्रेष्ठ थे, बड़े बड़े ज्ञानियों को तो संन्यास दिया करते थे मायावादी सन्यासी, सबसे बड़े विद्वान उस समय थे, उनके जैसे विद्वान कोई नहीं थे, स्वयं बृहस्पति उनसे बड़ा कौन हो सकता है। लेकिन जब महाप्रभु ने उनको परास्त कर दिए, बोले किसी जीव का अंदर में कभी इतने विद्वता हो ही नहीं सकता, आप बताओ आप है को। तो महाप्रभु ने सड़क रूप में दर्शन दिया, छह हाथ, बोले वही त्रेता युग में राम था, द्वापर युग में कृष्ण बन कर आया, अभी कलि युग में ये चैतन्य महाप्रभु बन कर आया। वहां पर तो चित्र बनाया, चित्र बनाया, लेकिन वहां पर जो चित्र बनाया वो आठ हाथ का है, सार्वभौम को उन्होंने छह हाथ रूप में उन्होंने छह हाथ श्रीकृष्ण चैतन्य सर्वधारी कृपा तम हम प्रपत्ते, तब उन्होंने महाप्रभु को प्रणाम किया, बोले ये महाप्रभु कौन है, बोले वैराग्य विद्या निज भक्ति योग, बोले कलि युग में वही कृष्ण ही वैराग्य विद्या निज भक्ति योग, निज भक्ति योग और भगवान की चरण में कैसे हमें प्रेम करनी चाहिए, इसको शिक्षा देने के लिए स्वयं भगवान कृष्ण कलि युग में श्री चैतन्य महाप्रभु रूप में आए, हम उनको बारम्बार प्रणाम करते हैं। बोले श्री सचिनंदन गौर हरी की जय। जब उन्होंने प्रणाम किया, सौ श्लोकों को प्रणाम किया है, फिर तो अभी उन्होंने सार्वभौम ने कहा, प्रभु मैं तो कौवा पहले था, का 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 का, कौवा अगर का का करने लग जाएगा काम दर्द हो जाएगा, सबसे बड़ी का 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 काम दर्द हो जाएगा, कहते वो कह रहे पहले मैं कौवा था और ये भगवान निराकार निर्विशेष ज्योति का कर, लेकिन मेरे को कौवा से ना मेरे को कोयले बना दिया, कोयले क्या कहते कितने मीठी मीठी शब्द बोलती है, कहते मेरे को कौवा से कोयले बना दिया महाप्रभु ने, कहते कौवा से हम पहले कौवा क्या खाता है, नीम फल खाता था, नीम का फल कितना कड़वा, कहते कोयले क्या खाता है, बोले आम में जो उसका जो मकुल है ना उसमें जो मधु है, कहते मधु को पान करता है, बोले अभी तक आप कृपा करके हमें कृष्ण प्रेम रस मधु का अपने पान भोग करवा दिया है। फिर से सार्वभौम भट्टाचार्य को पता चला ये जो राय रामानंद ये कितने बड़े रसिक है, पहले तो उनको खिली उड़ाया करते थे, लेकिन अभी समझे बाबा रे ये राय रामानंद साधारण नहीं, ये परम रसिक भक्त है,
इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु जो आ रहे थे दक्षिण यात्रा में, सार्वभौम ने कहा प्रभु आप दक्षिण यात्रा कर रहे हो, अगर पृथ्वी में आपकी कोई संगी हो तो बोले एक व्यक्ति, कहते श्री राजा अब जा रहे हो दक्षिण यात्रा में जरूर आप उनसे मिले, लेकिन महाप्रभु जा रहे थे उनसे मिलने जा रहे थे, महाप्रभु से मिलने जा रहे थे, महाप्रभु का उद्देश्य है ये उनसे मिलना, बोले क्यों मिलने जा रहे थे। तो उसमें गुरुदेव कहते थे देखो हर चीज में गुरु होता है, गुरु के बगैर जीव का ध्यान नहीं हो सकती है, इसलिए बोलना प्रथम अंत गुरु पूजम ततश्च ममार जन्म पूर्वक सिद्धि मापनति जनता निष्फल हो, पहले गुरु जी की पूजा, कृष्ण कहते उसके बाद में मेरी पूजा करनी चाहिए, बगैर गुरु जी की पूजा के बगैर डायरेक्ट जो मेरी पूजा करता है उसका पूजा निष्फल हो जाता है, उसका पूजा का कोई फल नहीं मिलता है, इसलिए हर चीज में गुरु चाहिए। इस जगत में देखो इसको सिगरेट घूमना गंदा काम उसका भी गुरु होता है, जो शराब होता है उसका भी गुरु होता है, जो हारमोनियम सीखता है उसको गंदे काम के लिए भी गुरु चाहिए और अच्छे काम के लिए भी गुरु चाहिए, गुरु को अगर कुछ नहीं। इसलिए अभी श्री चैतन्य महाप्रभु अभी किस चीज का आस्वादन करने के लिए आए, किस चीज को, राधा रानी के प्रेम की क्या महिमा है और राधा रानी मेरे प्रेम को कैसे आस्वादन करती है, मेरे को जितने आनंद होता है इसी राधा रानी को दर्शन करके, राधा रानी को मेरे से करोड़ों गुना ज्यादा आनंद मिलता है, मेरी कला की इतनी मीठी आवाज है जिसको सुनकर के त्रिभुवन मोहित हो जाते हैं, लेकिन मैं जब राधा रानी की कला की आवाज सुनता है ना मैं स्वयं मोहित हो जाता हूँ, मेरे शरीर कितने कोमल है निताई पदर जानवर कोटि चंद्र सुशल, कहते मेरा शरीर बहु कोटि चंद्र जितनी भजन हो जाए, भगवान का शरीर कितने मधुर है, तक जब मैं राधा रानी के शरीर को स्पर्श करता हूँ मेरा शरीर को सुशीतलता दुनिया को प्राप्त होता है, लेकिन मैं जब श्री राधा जी को स्पर्श करता हूँ मेरे को सुशीतलता प्राप्त होता है, सारा दुनिया मेरे नाम को सुनकर पागल हो जाते हैं, लेकिन मैं जब श्री राधा रानी का नाम सुनता हूँ ना मैं स्वयं पागल हो जाता हूँ, इसलिए बोले बंसी करार निपति का स्खलित से खंडन है भ्रष्ट सपीत वसनम प्रजराज सुमन, तो राधा रानी कृष्ण को एक बार तेरे सुशीतल से देख लेना, कृष्ण कहते मेरे मरुभ गिर जाता है, मेरे बंसुरी गिर जाते हैं, मेरे कपड़ा भी घिसक जाते हैं, ऐसे राधा रानी की प्रेम की महिमा, इसलिए महाप्रभु इसी के रूप कृष्ण आए राधा रानी के प्रेम की महिमा का आस्वादन करने के लिए। आ देखो जो जितना बड़ा प्रेम हो ना, जो जितना बड़ा विषय टपिक हो, टपिक जितने विषय बहुत बड़ा हो, तुम्हारी गुरु भी ऐसे हाई फाई चाहिए, तुम हाई फाई से इंजीनियरिंग करने जा रहे हो तब तुमको तो फिर हाई फाई इंजीनियर चाहिए ना, डॉक्टरी करना चाह रहे हो डॉक्टरी चाहिए ना हाई फाई, उसी तरह महाप्रभु वो प्रेम को रस आस्वादन करने के लिए आए, ब्रज प्रेम को, अभी वो प्रेम को कौन हम सिखा सकता है, जो ब्रज प्रेम में एक्सपायर है, जो ब्रज प्रेम में एक्सपायर है वही तो हमें शिक्षा दे सकते हैं ना, ऐसे गुरु दे सकते हैं, कहते कौन ही है जैसे राधा, क्यों बोले से अनुराधा, ये श्री अनुराधा है, राधा रानी के सारे गुण इनके अंदर में विद्यमान है, इसलिए गुरु भी बड़ी हाई फाई होनी चाहिए, इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु जानते ही वहाँ जाऊँगा और श्री राय रामानंद से मिलूंगा और जिस भाव को मैंने आस्वादन करने के लिए आया पहले तो मेरे को गुरु बनना बनाना पड़ेगा ना, तब तक आस्वादन कर सकता हूँ, इसलिए महाप्रभु सोच करके आए और श्री राय रामानंद को ही हम अपना प्रेम के गुरु में राय रामानंद को बनाऊंगा, महाप्रभु इसलिए आ रहे थे और आए, जब आए गोदावरी होते गवर्नर देखा श्री राय रामानंद श्री पानी में गोदावरी में स्नान कर रहे, राजमंत्री काजे बजे बाजे रहे वहाँ पर नागड़े बाजे बाज रहे, जितने ब्राह्मण स्तुति स्तर वेद ध्वनि कर रहे, जब वो स्नान करते हैं स्नान समय में कैसे सब ध्वनि कर रहे हैं, नागड़े शंख भैरी बज रहा है वो नहा रहे, इतने में जब वो नहा करके आए ना चैतन्य महाप्रभु बैठे हुए थे, जब चैतन्य महाप्रभु देखने में कैसे इतने सुंदर है महाप्रभु, राधा रानी कितने सुंदर बताओ, कृष्ण कितने सुंदर है,
अगर राधा कृष्ण दोनों सुंदरता अगर मिल जाएगा तो समझो वो कितने सुंदर नहीं होंगे। ये राधा कृष्ण दोनों मिलने श्री चैतन्य महाप्रभु इसलिए बोले बहु कोटि चंद्र बहु कोटि चंद्र जी की वजह से महाप्रभु इसलिए महाप्रभु को जब देखा फिर महाप्रभु ने ये गौरी के वस्त्र सन्यासी वस्त्र पहन लिए थे। उन्होंने जब दूर से देखा ना जैसे चंद्रमा उदय होने पर जैसे उसका प्रकाश है ऐसे ही महाप्रभु बड़े सुंदर दिख रहे थे। और राय रामा डोभी का बन गए हैं जब दोनों को देख लिया पहचान लिया अरे ये तो मेरी वही प्रभु है। अरे वो समझ लिए अरे मेरी वही सखी श्री विशाखा सखी है इसलिए कहते श्री विशाखा सखी है तो ललित विशाखा समझ गए फिर तो दोनों को आलिंगन किया। आलिंगन करते हुए आंखों का आंसुओं से झरी रहे थे जितने वहां ब्राह्मण थे ना वो तो देख देख कर आज ये क्या हो रहा है वो इतने बड़े सन्यासी हाँ शरीर में कितने तेज है और इतने बड़े सन्यासी और राय रावण का कभी कौन है कभी क्षत्रिय कुल में जन्म हुए हाँ कभी इसको ये आलिंगन क्यों कर रहे ये शूद्र कुल में ये ब्राह्मण होकर सन्यास होकर के इनको क्यों आलिंगन कर रहे है राय रावण तो ये कौन ये गवर्नर है लेकिन ये गवर्नर होकर के सन्यासी क्यों आलिंगन कर रहे हैं और ये दोनों क्यों रो रहे हैं शरीर में श्वेत कंप अश्रु उल्लग वैवर्ण सारे शरीर के प्रेम उत्पन्न हो रहा था उनके शरीर में। इतने में महाप्रभु ने देखा ये सब बहिर्मुख तो व्यक्ति है इनको सामने प्रेम प्रकाश नहीं करना चाहिए। देखो श्री नर्मन दास ठाकुर कहते हैं अपना भजन कथा ना कहे जता जता मतलब अपना जो भजन की बात है ना ज्यादा नहीं बोले किसको बोलनी चाहिए बोले तुम्हारी बात को जो समझे तुम्हारी हृदय बात को जो समझेगा तो उससे ही बोलो। जैसे भगवान ने बड़े सुंदर को सुंदर देखा जिसको जिसको मत कहा करो ऐसे ऐसे देखा तो ऐसे देखा हाँ ऐसे व्यक्ति को बताओ उच्च संतों को जो तुम्हारी भाव को समझे और तुम्हें उत्साह दे तो बड़े भाग्यवान बड़े भाग्य से कई प्रभु को स्वप्न को देखते हैं। साधारण व्यक्ति बोले तो भगवान को नहीं देखता पर तुम्हारी भाव धर्म है इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु अपना भाव है ना वो जहाँ तहाँ प्रकाश नहीं करते थे। इसलिए महाप्रभु नवद्वीप लीला में जब कीर्तन करते थे घर बंद कर देते और भक्तों लोगों को लेकर के कीर्तन करते थे भक्तों को लेकर के हरिनाम करते थे क्योंकि बाहर का जो बहिर्मुख व्यक्ति वो जिनको नहीं समझ पाएंगे। तब उन्होंने महाप्रभु ने देखा अरे यहाँ पर तो उल्टा पुलटा लोग ये चीज को कोई समझेगा नहीं महाप्रभु प्रेम को उन्होंने संवरण कर लिया और राय रामान को बोला कल ने आज फिर हम दोनों फिर यही पर हम दोनों शाम को मिलेंगे फिर हम हरिकथा चर्चा करेंगे। फिर तो दोनों की उत्कंठा कब शाम होएगा महाप्रभु सोच रहे कब शाम होएगा राय रामान से मिलू और राय रामान सोच रहे कब शाम होएगा पास उत्कंठा से शाम हुआ दोनों आकर के गोदावरी नदी में बैठ करके फिर आपस में हरी चर्चा की। इसलिए उनको अंदर में जो संवाद हुई है इसको कहते श्री राय रामानंद संवाद इसको राय रामानंद संवाद कहते हैं। कहते गीता क्या है कहते अर्जुन प्रश्न करता है कृष्ण उत्तर देते हैं। इसलिए गीता को बता गीता सुगीता कर्तव्य कि मन ये शास्त्र विस्तरे जा स्वयं पद्मनाभ स्वरूप पद्म ये तो दूसरे ग्रंथ का क्या जरूरत जो स्वयं भगवान के मुखार बंद से भगवत गीता निकली है इसलिए गीता फिर ये क्या है वहां पर तो भक्त प्रश्न करता है भगवान उत्तर देते यहाँ पर भगवान प्रश्न कर रहे हैं अब उत्तर कौन दे रहे हैं भक्त दे रहे हैं। ये कौन राय रामचंद्र ये भी अर्जुन है ये भी अर्जुन है इसलिए अर्जुन कृष्ण प्रश्न कर रहे हैं और अर्जुन उत्तर दे रहे हैं। इसलिए इसका जो पहला जो श्लोक है बोले सच्चा जय रामानंद भक्त मेंगे ये जो पहला जो श्लोक है बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है
इसको पर हमारे महाराज जी बड़ा सुंदर सुंदर इतने कंदे कंदे भाव बताए उन्होंने, इतने सुंदर सुंदर महाराज ने पता नहीं कितने पेज केवल एक श्लोक उम्र महाराज ने इतने पेज में इतना भावार्थ बताए, उन्होंने सुंदर उदाहरण दिया बोले संचार जय रामानंद भक्त उन्होंने उदाहरण दिया। आप देखना जे समुद्र का पानी है, समुद्र का पानी आप जानते हो कैसे बताओ, मीठा ना नमकीन, नमकीन ना खारी है, नमकीन है खारी है, लेकिन वही समुद्र का पानी जब सूरज क्या करता है वो अपना ताप को देकर के बाष्प को बना करके क्या करता है उसको आकाश में ले जाता है, ले करके फिर क्या करता है जब बारिश करता है ना फिर पानी कैसे खारी रहता है मीठा, फिर पानी को मीठा रहता है तो पानी बड़ा मधुर हो जाता है, और जब उसी पानी को जब सूरज ने खींच करके पानी को ले जाता है और ले करके जब बारिश करता है ना फिर एक स्वादी नक्षत्र पानी होता है। अगर वो विशेष पानी है जब किसी सीप को ऊपर पड़ता है ना उसमें मुक्ता बन जाती है, लेकिन पहले समुद्र में पानी था उसे मुक्ता नहीं बना, लेकिन जब उसको सूर्य ने खींच करके लिया फिर दो बार बारिश किया वो ऐसे एक विशेष पानी स्वादी नक्षत्र पानी वो मुक्ता सीप को मुक्ता बनाता है, फिर वही पानी जब हाथी को सर पर पड़ता है बोले गज मुक्ता बना देता है, फिर वही पानी जब हिरण को पर गिरता है नाभि कस्तूरी उसको कस्तूरी नाभि कस्तूरी बन जाती है, वही पानी जब केले के पेड़ के ऊपर पड़ता है ना जब कर्पूर बन जाता है, वो कर्पूर बन जाता है, लेकिन पहले वो पानी था लेकिन वो नहीं हो रहा था, तब उन्होंने ये उदाहरणों को बड़ी सुंदर रूप में उन्होंने ये उदाहरण को दिया। कहते उसी तरह कहते चैतन्य महाप्रभु को ने बोले कौरा भी ये स्वयं रस की समुद्र है जिनको बताया रस वैस रसम जबायाम लब्धानंद भवति, महाप्रभु ने सारे रस का समुद्र है, सारे रस का मूल है, आनंदमय ब्रह्म ये स्वयं आनंदमय है, अखिल रसामृत मूर्ति यदि सारे रस का जो मूर्ति स्वरूप है यदि ये श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ये स्वयं कृष्ण है, ये स्वयं कृष्ण है, लेकिन ये स्वयं कृष्ण होकर उन्होंने क्या किया बोले संचार जय रामानंद भक्त में है, महाप्रभु ने ये राय रामानंद में हृदय में ना उन्हें सब कुछ पूर्ण कराया, जैसे उदाहरण दिया बोले तेने ब्रह्म हृदय जो आदि कवे मुझंति जग श्रय, जैसे भगवान सर्वप्रथम ब्रह्मा जी के हृदय में उनने सारे तत्व ज्ञान को उनके हृदय में पूर्ण करा दिया, ब्रह्मा जी के हृदय में बोले क्या बोले ज्ञानों में परम गृहम बोले केवल ज्ञान नहीं विज्ञान पूर्वक जो ज्ञान है उनके हृदय में उनके हृदय में स्पूर्ण कराया है, जब विज्ञान समन्वित बोले सह रहस्य रहस्य भक्ति युक्त ज्ञान ने प्रदान किया है ब्रह्मा जी के हृदय में स्पूर्ण करा। उसी तरह जब श्रीमद चैतन्य महाप्रभु ने ये राय रामानंद हृदय में है तब सब कुछ उन्होंने उनका हृदय में स्पूर्ण कराया, इसलिए राय रामानंद बाद में कहते हैं बोले प्रभु मैंने थोड़ी बोला आप जैसे मेरे को सिखाया आप जैसे मेरे हृदय में ये चीज को स्पूर्ण कराया ना मैं तो जैसे स्पूर्ण कराया मैं वैसे बोला, मैंने कुछ नहीं बोला आपने जो बुलवाया मैंने वो चीज को आपने बोला है मैंने कुछ नहीं बोला। तब कहते हैं वहां पर कहते हैं जब उन्होंने महाप्रभु जब राय रामानंद से ये कथा सुने महाप्रभु कहते हैं भैया मेरे को रस की प्राप्ति, कहते मेरे को रस की प्राप्ति हुई तभी मेरे को ये ज्ञान और रस तभी मैंने ज्ञान और रस तभी मेरे को मिला, बल्कि कब मिला जब तुम्हारी मुखार बिंदे से मैंने ये कथा सुनी। यहाँ प्रश्न होता है महाप्रभु कहते हैं यहाँ पर महाप्रभु कहते हैं जब तुम्हारी मुखार बिंदे से मैंने कथा सुनी तभी मेरे को रस की प्राप्ति हुई, ऐसे कैसे हो इधर स्वयं रस स्वरूप आनंद स्वरूप, इसलिए यहाँ पर बता रहे हैं देखो जैसे व्यास देव है ये स्वयं नारायण है व्यास नारायण स्वरूप, लेकिन कहते हैं अहम व्यक्ति व्यक्ति सुख व्यक्ति व्यास व्यक्ति न व्यक्तिवा भक्त्या भागवत ग्राज्यम न बुद्धया नष्ट गया, इसलिए कहते हैं अहम वेदनी है इसको कौन कह रहे
शिव जी हाँ, ये शंकर जी कहते हैं अहम वेदमी, मतलब वो तत्व को मैं जानता हूँ। बोले सुख बेदी, कहते ये सुखदेव गोस्वामी जानते हैं। बोले व्यास बेदी न बेदिवा, लेकिन जो व्यास थे वो जिसने पूरा भागवत को लिखे, बोले पता नहीं वो पता है कि उसका संदेह है। क्यों? भक्त्या एकया राजन नच बुद्धया नच विद्या, केवल जो भक्ति, केवल भक्ति के द्वारा ही भक्त लोग ही वो चीज को आस्वादन कर पाते हैं। इसलिए कहते उसी तरह जो व्यास देव वो स्वयं विषय विषय है, वो भगवान है। इसलिए कलयुग में ये कृष्ण क्यों महाप्रभु का रूप में क्यों आए, कारण यही है। कहते मैं विषय, मैं विषय हूँ और आश्रय कौन है, राधा रानी के भक्त लोग। जैसे रसगुल्ला है, अभी रसगुल्ला में क्या स्वाद है किसको पता, रसगुल्ला को पता नहीं, जो खाने वाले को पता कि रसगुल्ला में क्या स्वाद है, लेकिन रसगुल्ला को पता नहीं। उसी तरह भगवान रस स्वरूप आनंद स्वरूप, लेकिन भगवान को पता नहीं लगे क्या रस है। इसको कौन आस्वादन करते हैं, भक्त, भक्त आस्वादन करते हैं। ये चीज वो भक्त आस्वादन, इसलिए कृष्ण कहते हैं मुझे जितने आनंद मिलता है ना राधा रानी को, मुझसे करोड़ों गुना ज्यादा राधा रानी का आनंद मिलता है, वो आनंद क्या है। इसलिए जब तक मैं स्वयं राधा रानी नहीं बनूंगा तब तक ये रस का आस्वादन नहीं कर पाऊंगा। उसी तरह महाप्रभु कहते हैं मैं तभी रसज्ञ प्राप्त हुआ, मेरे को रसज्ञ तभी मिला रस, जब श्री राय रामानंद के मुंह से मैंने ये कथा सुनी तभी मेरे को ये रस की प्राप्ति हुई। इसलिए उसके बाद में क्या होता है कल से फिर हम सुनेंगे उनका तभी क्या डिस्कशन हुआ, क्या प्रश्न है, क्या हल किया। ठीक है, मिताली गौर हरि हरि बोल श्री राय रामानंद प्रभु की जय। बोल हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे
हरे कृष्ण जय श्री महाराज की।